बचपन से रह रहा हूँ, आज हूँ अंधेरा पर कल का सवेरा हूँ। जब लिया मैंने 1995 में, परिवार मेरी जीने लगी बुरे टाइम में, खुदे किस्मत बचपन से ही मेरे पीछे चार है, किसी को ना बताना क्योंकि ये मेरा राज। सफलता ते फेम दे रस्ते विच हुंदा है बहुत सारा स्ट्रगल, ते जो इस स्ट्रगल नूं पार कर जावे ओ बन जांदा है सुपरस्टार। हिप हॉप म्यूजिक दी गल होवे ता एमी वे बंटाए दा नाम ता सामने आ ही जांदा है। फेम कमाउण लई मार्च 2014 विच एमी वे ने अपना पहला रैप वीडियो बंटाए यूट्यूब ते रिलीज कीता सी, पर उना दे इस वीडियो दे बाद उना दे किसी भी होर वीडियो ते कोई व्यू नहीं आया। इस तो पहला एमी वे ने रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट दे लई ऑडिशन दिता सी, पर उत्थे भी उना नूं फेस करना पिया रिजेक्शन। उन्होंने हॉलीवुड रैपर एमिनम तो इंस्पिरेशन लेके अपना पहला रैप इंग्लिश विच लिखिया, पर बाद विच उन्हां दे डैड दे कहण ते उन्हां ने हिंदी लैंग्वेज विच रैप लिखने शुरू कीते। 3 साल दे बाद उन्हां नूं इन्ना फेम मिलिया कि उह शाहरुख शेख तो बन गए एमी वे बंटाए। एक बार रैपर अवतार ने एमी वे दे पैसे ना कमाउण बारे अपने एक इंटरव्यू विच गल कीती सी, जिस दे जवाब विच एमी वे ने एक डिस ट्रैक रिलीज कीता। इस डिस्ट्रैक ने काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी, ते देखदे ही देखदे एमी वे दे यूट्यूब चैनल नू मिले 5 लाख सब्सक्राइबर। एक दिन विच इन्ने सब्सक्राइबर दा किसी चैनल नू फॉलो करना अपने आप विच एक रिकॉर्ड सी। हुण एमी वे इन्ने ज्यादा फेमस हो गए सन कि बॉलीवुड फिल्म गली बॉय विच भी उन्हां दा रैप सॉन्ग तुसी सुनिया ही होवेगा। रेडियो सिटी FM तो एमी वे ने लगातार बेस्ट हिप हॉप आर्टिस्ट दा टाइटल 3 साल तक जीतिया। नेक्स्ट इन दी लिस्ट इज विशाल मिश्रा। बॉलीवुड दे आज दे टाइम दे एक ऐसे यंगेस्ट म्यूजिक कंपोजर ते सिंगर जिन्हां नूं एक बार नहीं बल्कि 2 बार सिंगिंग रियलिटी शो विच रिजेक्शन दा सामना करना पिया। पहली बार विशाल मिश्रा ने इंडियन आइडल सीजन 4 विच ऑडिशन दिता सी, पर उन्हां नूं रिजेक्ट कर दिता गया। फिर उन्होंने सीजन 6 विच वापस ऑडिशन दिता, जिथे पहले राउंड विच तां ओह सिलेक्ट हो गए, पर दूसरे राउंड विच ओह फिर तो बाहर हो गए। पर विशाल ने ना ही हिम्मत हारी ते ना ही हौसला, पूरे जोश दे नाल उन्होंने DD नेशनल दे शो भारत की शान सिंगिंग स्टार दे लई ऑडिशन दिता ते शो दे विनर भी बने। विशाल नूं अपना पहला ब्रेक करीब करीब सिंगल फिल्म दे एक ट्रैक नूं कंपोज करन वास्ते मिलिया, पर सिंगर दे सामने कंपोजर नूं कौन याद रखदा है। पर विशाल सही मौके दा इंतजार करदे रहे ते कई मूवीज लई कंपोजिशन तैयार करदे रहे। फिर उन्हां नूं कबीर सिंह फिल्म विच कैसे हुआ सॉन्ग नूं गाउण दा मौका मिलिया, जिस दे बाद ओह इन्ने फेमस होए कि हर कोई विशाल मिश्रा नूं सुनना पसंद करदा है। हिट सॉन्ग टच मी तां असीं सारिआं ने ही सुनिया है, ते उस फिल्म दा एक होर सॉन्ग ख्वाब देख के झूठे मूठे दी सिंगर मुलानी ठाकुर नूं भी कई बार रिजेक्शन दा सामना करना पिया। इंडियन आइडल सीजन 2 दे टॉप 10 विच पहुंचण दे बाद भी मुनाली नूं ऑडियंसिस दे घट वोट कारण बाहर दा रस्ता दिखा दिता गया। इन्ने वड्डे शो तो बाहर होण दे बाद भी अपनी सिंगिंग दे दम ते मुनाली ने नेशनल अवार्ड अपने नाम कीता। मुनाली नूं ए अवार्ड हुण तक दे उन्हां दे बेस्ट सॉन्ग मोह मोह के धागे वास्ते मिलिया सी। नेहा कक्कर रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 5 दी कंटेस्टेंट रह चुकी है, पर ऑडियंस दे कट वोट मिलन करके नेहा नूं भी शो तो बाहर होना पिया सी। पर इस दे बाद नेहा दी किस्मत ने कुछ ऐसा पलटा खादा कि उससे शो विच जज बन के हुण लोकां नूं रिजेक्ट करदी है। घर दी जरूरत नूं पूरा करन लई जगराते ते गाना गाउण वाली नेहा कक्कर जल्द ही 0 to 100 दा सफर तय कर चुकी सी। उन्होंने अपनी लाइफ विच इन्ना कुछ अचीव कीता है कि हुण लोग उन्हां दीआं मिसालां दिंदे ने। साल 2012 विच आई फिल्म कॉकटेल विच गाए उन्हां दे गाने सेकंड हैंड जवानी ने उन्हां दे लई सब कुछ बदल दिता। असीस कौर वालों गाई गई ए गुरबाणी असी इस आवाज विच किते ना किते तां सुनी है, पर इस गुरबाणी नूं जिसने अपनी आवाज दित्ती है उस बारे बहुत घट लोग जानदे ने। इन्नी मिठी आवाज होण दे बावजूद भी असीस कौर इंडियन आइडल सीजन 6 विचों बाहर हो गई सी। 5 साल दी उम्र तो सिंगिंग करन वाली असीस कौर नूं सिंगिंग दा ए रस्ता उन्हां दे डैड ने दिखाया सी, ते उन्हां दी गुरबाणी दा वर्जन पूरे इंडिया विच इन्ना फेमस होया कि उन्हां नूं इवेंट्स विच गुरबाणी गाउण वास्ते बुलाया जाण लगा। गुरबाणी दे नाल अपने करियर दी शुरुआत करना असीस लई काफी फायदेमंद साबित होया। इस दे बाद उन्हां ने टीवी रियलिटी शो आवाज पंजाब दी विच हिस्सा लिया। इस दे बाद सलीम मर्चेंट ने उन्हां नूं फिल्म तमंचे विच पहला ब्रेक दिता, ते इस दे गाने हिट होण तों बाद उन्हां नूं अवार्ड्स ते गाने दोनों ही मिलन लगे। अपने हेयर स्टाइल ते अपनी स्माइल दे नाल सब दा दिल जीतण वाले जुबिन नौटियाल दा कंपैरिजन अक्सर ही आतिफ असलम दे नाल कीता जांदा है। जुबिन नूं अपने शो दे पहले ऑडिशन विच सोनू निगम तो मिलिया सी रिजेक्शन, जिस दी वजह करके उन्हां नूं टॉप 20 तो होना पिया बाहर। एक समां ऐदां दा सी कि जुबिन सॉन्ग्स दे स्क्रैच गाया करदे सन, पर ओह इन्हां स्क्रैचेस नूं भी पूरे दिल नाल गाउंदे सन। जुबिन ने फिल्म शौकीन दे एक सॉन्ग दा स्क्रैच वर्जन गाया सी, जिस नूं जदों फिल्म दे लीड एक्टर अक्षय कुमार ने सुनिया तो इस सॉन्ग दे दीवाने हो गए।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਣੇ ਦਾ ਓਰਿਜਨਲ ਵਰਜ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਜ਼ੁਬਿਨ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਡੀਅੰਸ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਪ 5 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਰੀਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਮ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੇ ਟੌਪ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜੱਜ ਸ਼ੰਕਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਤੇ ਸੰਜੇ ਲੀਲਾ ਭੰਸਾਲੀ ਅਰੀਜੀਤ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਫੈਨ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਰੀਜੀਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਕਾ 10 ਲੈ ਗਏ ਦਿਲ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ। ਅੱਜ ਅਰੀਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹਾਈਐਸਟ ਪੇਡ ਸਿੰਗਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸਿੰਗਰ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਪੇਜ।